एक इसी तरह का बहुत बढ़िया श्रृंगार लिखने वाला अपना छोटा भाई कृष्णा मिश्रा बैठा हुआ है। कृष्णा मिश्रा चंदौली से चलकर हमारे बीच आया है। आप आइए, आपका काव्य पाठ भी हो जाए और आपके हौसला अफजाई में भी तालियां आपकी कमजोर ना पड़े। थोड़ा थोड़ा बजा दीजिए भाई। तू नहीं बजावा, तू यार कहा गुस्सा हुआ, कहा हाथ में, अच्छा तैराकी में हाथ में गड़बड़ा गया, कोई बात नहीं, बगल वाले के पीठ पे थपथपा दो। मंच को प्रणाम करता हूँ और बाबा विश्वकर्मा की इस नगरी को प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, बस एक एक को सौ सौ के बराबर समझ के पढ़ूंगा। और भैया एक बात यहीं से शुरुआत करता हूँ, चार लाइन देश से शुरुआत करता हूँ, सुनेगा कि हजारों ख्वाब सीने में दफन करके मैं आऊंगा। जब एक फौजी ड्यूटी पे जाता है तो उसको मालूम नहीं होता कि वो घर पे आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक विश्वास लिए वो जाता है और घर से कह के क्या जाता है, ख्वाब का लेके जाता है कि हजारों ख्वाब सीने में दफन करके मैं आऊंगा, है मेरे देश की मिट्टी जतन करके मैं आऊंगा, हजारों ख्वाब सीने में दफन करके मैं आऊंगा, है मेरे देश की मिट्टी जतन करके मैं आऊंगा। सिलाओ सूट तुम पहनो भले लाखों हजारों का, भैया सुना, सिलाओ सूट तुम पहनो भले लाखों हजारों का, तिरंगा एक दिन अपना कफन करके मैं आऊंगा, तिरंगा एक दिन अपना कफन करके मैं आऊंगा। और ये जो वक्त हुआ है, ये शायद अभी तक मोहब्बत पे पढ़ा गया, हर चीज पे यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोगों ने पढ़ दिया है कि बस उनके सामने ये बस पुष्प चढ़ाने के ही जैसा है अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो। सुनिएगा, शराब पे अभी तक नहीं पढ़ा गया, जब तक शराब पे पढ़ा न जाए तब तक महफिल अधूरी रहती है। और शराब और नजर दोनों का मुकाबला एक छंद के माध्यम से सुनिएगा कि उनकी नजर से जो उलझी शराब यहाँ हार फिर जाएगी शराब मैं खाने में, उनकी नजर से जो उलझी शराब यहाँ हार फिर जाएगी शराब मैं खाने में, और हमसे भी भले बुरे लोग यहाँ बैठे हुए हम ही नहीं रहे खराब मैं खाने में, हमसे भी भले बुरे लोग यहाँ बैठे हुए हम ही नहीं रहे खराब मैं खाने में। मैं खाने में क्या मिलता है मधुर भैया सुनिएगा, कि दिल में जो दर्द उठे मन में जो प्रश्न उठे मिलते हैं सबके जवाब मैं खाने में, और हाथ पसारे यहाँ बैठे हैं रईस देखो, हाथ पसारे यहाँ बैठे हैं रईस देखो, कहते हैं जिनको नवाब मैं खाने में, हाथ पसारे यहाँ बैठे हैं रईस देखो, कहते हैं जिनको नवाब मैं खाने में। और पतियों पे और पत्नियों पे तमाम बातें हुई तो मेरी शादी नहीं हुई है, फिर भी पत्नियों पे कुछ लिखने की हिम्मत कर दिया। सुनिएगा कि पतियों को जब से लताड़ लगने लगी, तिल सी जो पत्नी थी ताड़ लगने लगी, पतियों को जब से लताड़ लगने लगी, तिल सी जो पत्नी थी ताड़ लगने लगी, और ब्याह के जो लाया तब भोली भाली गाय रही, ब्याह के जो लाया तब भोली भाली गाय रही, मारने लगी है जब साड़ लगने लगी, और सुख जब लाई तब राई का वो रूप रही, दुख जब लाई तो पहाड़ लगने लगी, आई थी फरारी जैसी अभी कुछ साल चली, आई थी फरारी जैसी अभी कुछ साल चली, टाटा सुमो गोल्ड सी कबाड़ लगने लगी। मैं चाहता हूँ